सभी हीटर सेकेंडरी के छात्रों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। आपको हम ब्लू प्रिंट देंगे जिसमें किसी भी वस्तु को समझने या उसकी ड्राइंग को समझने के लिए उसके सिंबलों का समझना बहुत ही आवश्यक होता है, तो उनके लिहाज से आप ब्लू प्रिंट रीडिंग को पढ़ाया जा रहा। तो इसमें जो भी मोस्टली सिंबल है आपके इंजीनियरिंग कंपार्टमेंट में, आपको ड्राइंग बनाने के पश्चात जो भी उसमें त्रुटियां होने गलती ना हो उनको समझने के लिए आपको उसके सिंबल समझना, क्योंकि ड्राइंग में कितनी आपको टॉलरेंस दी गई है, अधिकतम और न्यूनतम डायमीटर, रेडियस और स्क्वायर आकृति, पिच डायमीटर, ये किस चिन्ह से प्रदर्शित करनी है। तो इसके लिए आपको ब्लू प्रिंट रीडिंग में इनके सिंबल जानना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे टॉलरेंस जो दी जाती है प्लस और माइनस टॉलरेंस, वह अधिकतम और न्यूनतम वह जैसे एचसी प्लस माइनस से पहचाना जाता है, उसी प्रकार यदि अधिकतम टॉलरेंस की लेनी है उसे प्लस से और न्यूनतम टॉलरेंस माइनस से, उसी प्रकार व्यास जो डायमीटर है उसे इस क्यू से, वह अब व्यास को आर से, रेडियस और स्क्वायर को एस क्यू और पिच डायमीटर को आपको पीसीबी से पहचाना जाता है। तो ब्लू प्रिंट रीडिंग पढ़ने के लिए, ड्राइंग पढ़ने के लिए आप सिंबलों का अधिक से अधिक समझने का अभ्यास करें, उसके बाद आप ब्लू प्रिंट रीडिंग में समझ में आएगा। जैसे आपका ये फिगर दिया गया है, इस ड्राइंग में आपको यदि जैसे यह दिया गया है और इसका इसके माध्यम से आपको दिया जाता है डायमीटर, तो आपको समझने की है आप इसका व्यास का जो चिन्ह नहीं है किसका चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो इसकी पहचान होती है डायमीटर से, आप इसको पहचान सकते हैं। तो सभी छात्र ब्लू प्रिंट रीडिंग को सिंबल जो आपको मोस्टली सिंबल बनवाए जा रहे हैं उन्हें पहले अच्छी तरह समझे और उसके पश्चात आप उसमें जो भी ब्लू प्रिंट रीडिंग के चित्र दिए गए हैं और इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह मैं आपको आगे पूछूंगा और आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बताऊंगा। तो सभी छात्र पहले जो भी मोस्टली ब्लू प्रिंट सिंबल है उन्हें आप अच्छी तरह से ध्यान से देखें। मोस्टली सिंबल आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बताए जा रहे हैं। थैंक यू। अधिक से अधिक आप ऑनलाइन क्लासों को अटेंड करें जिससे आपको जो भी ड्राइंग में कोई समस्या हो उसे आप आसानी से हल कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, उसके पश्चात आपको जो भी समस्या है उसका तुरंत समाधान किया जाएगा।